हेलो फ्रेंड्स, अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स पढ़ने से पहले आप हमारा चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और कोई भी जो आपको टॉपिक पढ़ना है, जो आपके समझ में नहीं आ रहा है, उसको आप कमेंट कर सकते हैं। उस पर मैं आपको वीडियो बनाऊँगा और आपको ज़रूर समझाऊँगा। चाहे तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9460689761। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी आपको टॉपिक चाहिए वो मैं आपको समझाऊंगा। अब हम पढ़ते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। ये विधि उसी रैखिक अवकल समीकरणों के लिए लागू होती है अच्छी तरह से, जिनके हमें जो पूरक फलन होता है वो ज्ञात होता है। अब जैसे कि हमारे पास कोई इसको सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास जो कि एक इक्वेशन होगी द्वितीय कोटि की होगी, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। इसमें कोई अपने पास ये इक्वेशन होगी। अब मान लेते हैं, हम इसमें मान लेते हैं कि वाई बराबर ए यू प्लस बी वी, इसका सी एफ कॉम्प्लीमेंट फंक्शन है, ये सी एफ मान लिया हमने इसमें, जहाँ वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, हमने ये मान लिया है। तो इसके जो समाकलन के वो हल होंगे वो इस तरह से आएंगे। इसके पास इसमें वाई की जो वैल्यू इसमें रख देते हैं तो ये आ जाता है ए, ये आ जाता है अपने पास, मतलब वाई की वैल्यू हम डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू रखेंगे और डी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स वैल्यू रखेंगे। तो बाद में जो ए तो आएगा वो तो कॉमन आके जीरो हो जाएगा, क्योंकि सी एफ की तरफ आर बराबर सी एफ निकालने के लिए हमको इसको जीरो लेना चलेगा। ये लेंगे हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू जीरो। सी एफ के लिए हमारे पास राइट हैंड साइड में जीरो रखते हैं। अब हमें वाई की वैल्यू ये रख देते हैं तो इससे हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाती हैं। वो आ जाती है अपने पास डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी यू अपॉन डी एक्स प्लस क्यू यू इक्वल टू जीरो। इक्वेशन नंबर टू दे देते हैं इसको। और जो दूसरी इक्वेशन आती है वो आती है अपने पास डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वी अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वी इक्वल टू जीरो थ्री, ये आ गया। लेकिन हम हमारे पास जो वाई बराबर ए यू प्लस बी वी, ये तभी से सॉल्यूशन है जब आर बराबर जीरो हो। लेकिन आर बराबर जीरो नहीं होने पर ये हमारे पास सॉल्यूशन नहीं हो सकता, इसलिए हम इसका एक दूसरा सॉल्यूशन मानते हैं। वो सॉल्यूशन हम इस तरह से मानते हैं वाई बराबर ए यू प्लस बी वी, जहाँ ए और बी कोई एक्स के फलन होंगे, ना कि कॉन्स्टेंट होंगे। इस बार हमने ए और बी को इस तरह से माना है कि ये कोई एक्स फलन है। तो इस कंडीशन में अपने पास जो आ जाएगा डी वाई अपॉन, इसको क्वेश्चन नंबर फोर दे देते हैं। इस कंडीशन में डी वाई अपॉन डी एक्स जो आया वो आया अपने पास ए को छोड़ के डी यू अपॉन डी एक्स प्लस यू को छोड़ के डी ए अपॉन डी एक्स प्लस बी को छोड़ के डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी को छोड़ के डी बी अपॉन डी एक्स, ये आ गया अपने पास। अब यहाँ हमारे पास ए और बी जो कॉन्स्ट वो है वो अज्ञात हैं, तो हम इसको ए और बी का चयन इस प्रकार करते हैं। हम ए और बी इस तरह से चूज करते हैं कि अपने पास जो यू डी ए अपॉन डी एक्स प्लस वी डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो हो जाए। जब हमारे पास ये जीरो हो गया यू डी ए अपॉन डी एक्स प्लस वी डी बी अपॉन डी एक्स, या इसको हम ये लिख सकते हैं यू ए वन प्लस वी बी वन इक्वल टू जीरो। इक्वेशन नंबर से ये जब हमारे पास जीरो हो गया तो हमारे पास यू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस वी डी बी अपॉन डी यू यू डी ए अपॉन डी एक्स प्लस वी डी बी अपॉन डी एक्स, ये जीरो हो गया। लेकिन ए डी यू अपॉन एक्स ये तो अपने पास बचा है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या बच गया इसके बाद अपने पास ए डी यू अपॉन डी एक्स प्लस बी डी बी अपॉन
DX ये बच गया अपने पास, ये अपने पास क्वेश्चन नंबर छः छः आ चुकी है, इसको क्वेश्चन नंबर 7 दे देते हैं, ये आ गया अपने पास। अब हमें इसका एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन कर देना है, या जाएगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए को छोड़ के डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, इस बार डी यू अपॉन डी एक्स को छोड़ दिया तो डी यू अपॉन डी एक्स डी ए अपॉन डी एक्स ये हो गया अपने पास। प्लस इस बार बी को छोड़ दिया बी डी स्क्वायर बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस बी, इस बार डी बी अपॉन डी एक्स को छोड़ दिया डॉट डी बी अपॉन डी एक्स ये आ गया अपने पास। ये क्वेश्चन नंबर 8 दे देते हैं। अब हम ये जो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आया है, डी वाई अपॉन डी एक्स आया है, ये वाई आया है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो अपने पास थी, ये पी डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर, इसमें रख देते हैं ये वैल्यू, तो ये वैल्यू रखने पे ही आ जाता है। इसको हम ये लिख सकते हैं, इसको हम अगर ये लिखना चाहे डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पूरी सिंपलिसिटी के लिए, ये डी डी वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, डी यू है तो ए यू टू प्लस ए वन यू वन प्लस बी वी टू प्लस बी वन वी वन ये, इसको हम ये लिख सकते हैं इस तरह से। ये डिफ्रेंशिएशन शो कर रहा है कि कितनी बार डिफ्रेंशिएट हो रहा है, ये कितनी बार हो रहा है, इस तरह शो कर रहा है, तो इसको हम इसमें रख देते हैं, ये वैल्यू रख देते हैं, तो आ जाता है अपने पास ए यू टू प्लस ए वन यू वन प्लस बी वी टू प्लस बी वन वी वन ये आ गया। प्लस अब इसमें पी का मल्टीप्लाई है डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है अपने पास, ए यू वन प्लस बी वी वन प्लस पी ए वन सॉरी यू यू ए वन प्लस वी बी वन वी बी वन ये आ गया। अब ये अपने पास आ गया क्यू वाई, तो ये रख देते हैं हम प्लस क्यू वाई था अपने पास ए यू प्लस बी वी इक्वल टू आर ये आ गया अपने पास। अब फ्रेंड्स हम प्रत्येक टर्म में से ए कॉमन लेने की कोशिश करते हैं, तो ए लेने की कोशिश ए कॉन्स्ट बाहर लेने की कोशिश की तो ए आ गया अपने पास, ये आ गया यहाँ से यू टू प्लस ये अपने पास क्या था, ये अपने पास सॉरी फ्रेंड्स ये तो अपने पास 0 आया, लेकिन डी वाई अपॉन डी एक्स था, ये था ए यू वन, ये अपने पास जो आया था ये हमने गलत लिखा है, ये लिखा सही है लेकिन इसका नोटेशन हमने यहाँ पे ये वाला ले लिया है, ये गलत ले लिया है, तो इसको हमने यहाँ लेना है नोटेशन लेना है यू वन ए मतलब यू वन ए प्लस वी वन बी ये नोटेशन लेना था, तो इससे ये अपने पास ए कॉमन आया तो प्लस पी यू वन ये आ गया, प्लस यहाँ से क्यू यू प्लस यहाँ ए आ गया। अब पी बी कॉमन लेते हैं तो बी आने बी कॉमन लेने पर यह आ जाएगा वी टू प्लस पी वी वन प्लस क्यू वी ये आ गया, प्लस ए वन यू वन प्लस बी वन वी वन इक्वल टू आर ये आ गया अपने पास। अब ये आ गया अपने पास, तो ए वन बी वन इसको हम और सोल्व कर दें तो अपने पास जो हमने शुरू में जो कंडीशन निकाली थी वो थी अपने पास कि यू टू पी यू वन प्लस क्यू यू इक्वल टू 0 हो रहा था, एंड वी टू प्लस पी वी वन प्लस क्यू वी टू ये दोनों 0 होते हैं, ये 0 हो जाएंगे, तो अपने पास जो बचा है वो है बस ए वन यू वन
प्लस बी वन इक्वल टू आर, ये अपने पास इक्वेशन आ गई है, इसको हम क्वेश्चन नंबर 9 दे देते हैं। अब हम इक्वेशन नंबर 6 से हम 9 को मैट्रिक्स विधि से हम सॉल्व करते हैं, तो अपने पास जो आती है वो कंडीशन आती है, वो जो कंडीशन आती है वो होती है अपने पास ए वन अपॉन माइनस वी बराबर बी वन अपॉन यू इक्वल टू आर यू वी वन माइनस वी यू वन। ये फ्रेंड्स हमें मैट्रिक्स विधि से सॉल्यूशन किया था, मैट्रिक्स विधि से हम पहले भी बता चुके हैं मैट्रिक्स विधि, इससे अपने पास इसको हम और सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है डी ए अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए वन, और ए वन बराबर क्या आ जाता है, ए वन इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता है अपने पास माइनस वी आर अपॉन यू वी वन माइनस वी यू वन ये आ जाता है, एंड डी बी अपॉन डी एक्स वो आ जाता है अपने पास बी वन डी बी अपॉन डी एक्स बराबर बी वन था तो यू का इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो आ जाता है यू आर अपॉन यू वी वन माइनस वी यू वन ये आ गया अपने पास। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो यू और वी है ना, यू यू एंड वी अपने पास यू एंड वी ये दोनों ये घात स्वतंत्र हैं, इसलिए कभी भी इसके जो सॉल्यूशन के लिए ये यू वी माइनस वी यू वन इक्वल नॉट जीरो होना चाहिए, कि जीरो हो गया तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, सॉल्यूशन नहीं हो जाएगा, जो ये कहलाता है ये कहलाता है रोन्सकियन, रोन्सकियंस मैट्रिक्स होता है, डब्ल्यू रोन्सकियंस को डब्ल्यू से शो करते हैं, जो होता है अपने पास यू वी यू वन और वी वन ये इक्वल नॉट जीरो होना चाहिए। अब इससे हम सॉल्व करने पर जो ए बराबर हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो ए बराबर आ जाता है अपने पास माइनस बाहर इंटीग्रेशन ऑफ वी आर यू वी वन माइनस वी यू वन ये आ जाता है, एंड बी बराबर जो आ जाता है वो आ जाता है अपने पास यू आर यू वी वन प्लस यू वी वन माइनस वी यू वन ये आ जाता है। इसको तो हम इसको हम ले लेते हैं एफ एक्स, कोई एफ एक्स का फलन आएगा प्लस सी वन, इसको ले लेते हैं एफ जी एक्स प्लस सी टू ये आ गया अपने पास। अब ये मान हम जो क्वेश्चन नंबर 4 थी ये वाई बराबर ए यू प्लस बी वी, क्योंकि ए और बी के वैल्यू आ चुके हैं उसमें रख देते हैं, तो इसमें रख देने पर ये आ जाते हैं अपने पास वाई बराबर यू एफ एक्स प्लस वी जी एक्स प्लस सी वन यू प्लस सी टू वी, जो कि समीकरण का कंप्लीट सॉल्यूशन होता है, जो कि यू एफ एक्स प्लस वी जी एक्स प्लस वी वन सी वन वाई प्लस सी टू वाई ये समीकरण का कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। अब इसको हम और अच्छी तरह समझने के लिए एक दो एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स। ये अपने पास जो प्रॉब्लम दी गई है ये है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स है फ्रेंड्स। इसी को हम मैं आपको जो सजेशन देना चाहूँगा वो होगा मेरे ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स मेथड है, इस विधि से तभी सॉल्व करें जब दिया हुआ हो ऐसे इक्वेशन को, क्योंकि ये इक्वेशन उसमें भी हो सकती है कि इसको कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट गुणांक वाला मैट्रिक वो बना लें, द्वितीय कोटि का बना लें, मतलब एक्स एक्स बराबर हम मान लें बाई जेड बराबर लॉग एक्स मान लें, तो उस विधि से भी ये सॉल्व हो सकता है, जैसे गुणा कांस्टेंट गुणांक वाली में इक्वेशन में बदल जाएगी, द्वितीय कोटि इक्वेशन में बदल जाएगी, उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब हमें यहाँ ये हम पहले हम पढ़ चुके हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ आप हमारे पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हैं, या हमने सबसे पहले जो स्टार्टिंग टॉपिक था वो इसी का था। अब ये इसको हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की विधि से हेल्प करते हैं, तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स से सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इसका सी एफ चाहिए, जो सी एफ निकालने के लिए हमें करना होगा इसका जो राइट हैंड पक्ष है उसको जीरो करना होगा, तो यह जाता है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो। लेकिन यहाँ से अब हमारे पास कोई हम सी एफ निकाल नहीं सकते इजीली, क्योंकि हमारे पास जो द्वितीय कोटि का समघात समीकरण है, तो समघात समीकरण है तो इसमें हम जेड बराबर लॉग एक्स मान सकते हैं। मैं आपको जो सजेशन दे रहा था वो दे रहा था मैंने लॉग एक्स बराबर पूरे इसमें लॉग एक्स जो ये सजेशन निकालने के बाद सिंपली उसी से सॉल्व करें, ना कि हम सी एफ को आगे निकालें।
तो जेड वाई लॉग एक्स सी एफ के लिए मान लिया हमने, तो जेड वाई लॉग एक्स मानते हैं तो ये आ जाता है अपने पास, ये इक्वेशन जो चेंज होती है वो हो जाती है डी डी माइनस वन, ये तो डी डी माइनस वन हो गया, प्लस ये हो गया अपने पास डी माइनस ये वन वाई इक्वल टू जीरो, वेयर डी बराबर डी अपॉन डी जेड, ये बदल चुका है। तो इसको हम खोल के लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस डी, तो ये कट जाएगा माइनस वन वाई इक्वल टू जीरो। अब इसका सहायक समीकरण होगा वो होगा एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, सी एफ के लिए सहायक समीकरण जरूरी है, तो एम बराबर आ जाता है अपने पास प्लस माइनस वन, तो इसे सी एफ बराबर हम लिख सकते हैं सी वन ई की पावर जेड प्लस सी टू ई की पावर माइनस जेड, ये लिख सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास सी एफ ये था, ये जेड तो हमने माना है, तो जेड बराबर ये लॉग एक्स है, तो जेड बराबर लॉग एक्स लिख देते हैं सी वन ई की पावर लॉग जेड प्लस सी टू ई की पावर माइनस लॉग जेड, तो लॉग उसको वन बाई जेड लिख सकते हैं, ये आ जाएगा सी वन एक्स सॉरी एक्स एक्स सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स इनवर्स, ये अपने पास सी एफ आ गया, बाई बराबर सी एफ आ गया ये अपने पास। अब इक्वेशन नंबर इसको हम टू दे देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है अपने पास, ये है फ्रेंड्स। तो इससे अब हम मान के चलते हैं, लेट लेट वाई बराबर ए एक्स प्लस बी एक्स इनवर्स, ये है ना, ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है, कंप्लीट सॉल्यूशन है जहां ए और बी कांस्टेंट हो सकते हैं और एक्स फलन हो सकते हैं। अब हमें ए और बी ज्ञात करना है, इसके लिए हम सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं, तो वो आ जाता है अपना डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं तो वो आ जाता है अपना एक्स को ए को छोड़ के ए प्लस, क्यों एक्स को ए को छोड़ के एक्स का रिप्रेजेंटेशन किया तो वो अपने पास वन आ गया, इस बार एक्स डी ए अपॉन डी एक्स प्लस बी को छोड़ के इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो ये एक्स पर माइनस टू आ गया माइनस साइन के साथ, प्लस एक्स इनवर्स को छोड़ के डी बी अपॉन डी एक्स, ये आ गया अपने पास। अब यहाँ हम अपने पास जो ए और बी इसका हम चेंज किस प्रकार से करते हैं, ए और बी का चेंज जो करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि अपने पास ये एक्स डी ए अपॉन डी एक्स प्लस एक्स इनवर्स डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो हो जाए, इस तरह से चेंज करते हैं। तो ये अपने पास जीरो हो गया, इसके जीरो होने के बाद ये अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स जो बच गया वो है अपने पास ए माइनस बी एक्स पावर माइनस टू, ये बच गया अपने पास। अब हम इसमें फिर से डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर ये आ जाता है अपने पास डी ए अपॉन डी एक्स माइनस डी बी अपॉन डी एक्स, क्यों एक्स इसको छोड़ दिया एक्स पर माइनस टू को, तो ये एक्स पर माइनस टू माइनस एक्स पर इस बार एक्स पर माइनस टू का करना है तो एक्स पर माइनस टू का होगा तो माइनस साइन आगे आएगा तो प्लस कर देगा इसको तो प्लस हो जाएगा, बी को छोड़ दिया माइनस साइन आगे आ गया तो टू एक्स पर माइनस थ्री, ये हो गया। अब हम ये जो माने अभी जो मान आए हैं अपने पास इसको हम इक्वेशन नंबर थ्री दे देते हैं, ये डी वाई अपॉन डी एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आएगी और बाई की वैल्यू है अपने पास, तो ये जो वैल्यू होती है हम इक्वेशन नंबर जो अपने पास वन होती है उसमें रख देते हैं, इसमें रख देते हैं जो गिवन सॉल्यूशन ये होता है इसमें रख देते हैं, तो ये आ जाता है अपने पास एक्स स्क्वायर डी ए अपॉन डी एक्स माइनस डी बी अपॉन डी एक्स 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 पर माइनस टू प्लस टू बी एक्स पर माइनस थ्री प्लस ये एक्स और ये इसकी वैल्यू डी वाई अपॉन डी एक्स की ए
माइनस बी एक्स पावर माइनस टू प्लस वाई की वैल्यू थी वो थी ए एक्स प्लस बी एक्स इनवर्स, ये थी अपने पास, ये बी ए एक्स प्लस बी एक्स इनवर्स ये रख दिया अपने पास, इक्वल टू जो अपने पास था एक्स स्क्वायर ई की पावर कितना, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स ये है। तो हमने एक्स स्क्वायर के दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, सबसे पहले ये काम किया हमने, तो ये आ गया डी ए अपॉन डी एक्स माइनस डी बी अपॉन डी एक्स एक्स पर माइनस टू प्लस टू बी एक्स पर माइनस थ्री, एक्स से डिवाइड किया है तो एक एक्स जाएगा वो उसका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसको लिख सकते हैं हम ए एक्स इनवर्स माइनस बी एक्स पर माइनस थ्री ये हो गया प्लस एक्स स्क्वायर का डिवाइड किया हमने तो ये आ गया अपने पास ए एक्स इनवर्स प्लस बी एक्स पर माइनस थ्री, क्योंकि ये वो हो जाएगा माइनस दो ऊपर जाएगा, तो ये हो गया अपने पास ई की पावर एक्स। अब हम देख सकते हैं ये बी ये कट गया, ये इससे ये कट गया और इससे ये कट गया। फ्रेंड्स अपने पास ये जो बाई बराबर था ये माइनस वाई, तो माइनस वाई की वैल्यू रखिए तो ये अपने पास माइनस में आएगा एंड ये माइनस में आएगा, इन दिस केस ये माइनस प्लस ये कट जाएंगे और ये माइनस माइनस ये माइनस में आएगा ये माइनस में आएगा, तो इन दिस केस माइनस माइनस ये कट जाएंगे, माइनस एंड माइनस से टू बी एक्स क्यू आ गया तो ये कट गया, तो अपने पास इस कंडीशन में आ गया डी ए अपॉन डी एक्स माइनस डी बी अपॉन डी एक्स एक्स पर माइनस टू इक्वल टू ई पावर एक्स। इसको हम लिख सकते हैं ए वन माइनस बी वन ई की पावर ए वन बी वन एक्स की पावर माइनस टू इक्वल टू ई की पावर एक्स। इसको इक्वेशन नंबर फोर दे दिया हमने। अब फ्रेंड्स हमारे पास ये कंडीशन आ गई है, और ये कंडीशन और अपने पास एक कंडीशन ये पहले से थी, जो कंडीशन थी वो कहाँ गई, फ्रेंड्स ये कंडीशन थी अपने पास, ये कंडीशन थी x, इसको हम लिख सकते हैं x ए वन प्लस एक्स इनवर्स बी वन इक्वल टू जीरो ये लिख सकते थे इसको हम इसी तरह से। तो ये दूसरी कंडीशन थी अपने पास x ए वन प्लस बी मतलब एक्स इनवर्स एक्स ए वन एक्स इनवर्स बी इक्वल टू जीरो ये कंडीशन थी, ठीक है फ्रेंड्स। अगर इससे हम ए वन की वैल्यू निकाल लें, हम इससे हम अगर हम बी की वैल्यू निकाल के चल रहे हैं हम, तो इसमें एक्स स्क्वायर दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इक्वल टू जीरो या बी बराबर आ गया अपने पास माइनस ए एक्स स्क्वायर ये आ गया अपने पास, तो बी बराबर ये आ गया तो अपने पास ये लिख देते हैं वैल्यू, सॉरी ए वन है बी वन है बी वन ए वन, तो ये आ गया अपने पास बी वन बराबर अपने पास ये आ गया ए वन माइनस ए वन एक्स स्क्वायर एक्स माइनस टू। हाँ फ्रेंड्स ये वैल्यू रखी हमने, इसमें हम ये वैल्यू रख रहे हैं माइनस ए वन, तो ये माइनस माइनस पहले प्लस हो जाएगा ए वन, और ये आ गया ए वन एक्स स्क्वायर आएगा और एक्स माइनस टू तो वो वन हो जाएगा इक्वल टू ई की पावर एक्स, ये आ गया अपने पास ए वन इक्वल टू वन बाई टू ई की पावर एक्स। इसको हम क्वेश्चन नंबर फाइव दे देते हैं, और अब इसी तरह हम बी के लिए सॉल्व करते हैं, तो बी के लिए हम सिंपली यहाँ पे रख देते हैं ए वन की वैल्यू रख देते हैं, तो बी बी वन बराबर आ जाता है ए वन की वैल्यू यहाँ पे हम रख देते हैं तो वो आ जाता है माइनस वन बाई टू ये आ गया ई की पावर एक्स एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर दो दे देते हैं। अब हमें ए वन और ए टू की वैल्यू ज्ञात करनी होती है, तो ए वन का तो सिंपल है ए वन बराबर क्या था अपने पास डी ए अपॉन डी एक्स ए की वैल्यू ज्ञात करनी होती है, और ये अपने पास ए वन बराबर था वन बाई टू ई की पावर एक्स वन बाई टू ई की पावर एक्स, जिससे ए वन बराबर आ गया अपने पास इंटीग्रेशन कर देंगे तो वन बाई टू ई की पावर एक्स प्लस सी वन ये आ गया, ये
ए बराबर आ गई अपने पास, ए बराबर। और डी बी वन अपॉन डी एक्स बराबर क्या था अपने पास, -1/2 एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। ये रहा अपने पास बी वन है, बी वन बराबर डी बी वन डी बी अपॉन डी एक्स होता है, तो -1/2 एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। या इसको हम लिख सकते हैं बी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ -1/2, बाहर ले लो, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स ऑफ डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसका इंटीग्रेशन 1/2 मतलब 1 को छोड़ के सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड को छोड़ के 1 का, वो उस मेथड से करते हैं फर्स्ट डॉट सेकंड वाले मेथड से। तो बी बराबर आ जाता है -1/2, बाहर ले लो। हमने सबसे पहले एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स डी एक्स। तो इससे आ गया -1/2 एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस इससे 2x ई की पावर एक्स ऑफ डी एक्स, ये आ गया। तो इसको हम और सॉल्व करते हैं, तो -1/2 एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2, इस बार हमने इसी में एक्स को छोड़ दिया और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन किया, तो ई की पावर एक्स आ गया। माइनस से ये माइनस है तो माइनस हो गया साइन। अब ये प्लस इसे माइनस आएगा इस सूत्र के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, बट ये हमने माइनस का जो अंदर मल्टीप्लाई करना होता है वो हो जाएगा प्लस, और जो ये 2e की पावर x ये आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं -1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x+2e की पावर x, ये आ गया अपने पास। अब अपने पास ए वन की वैल्यू, ए की वैल्यू आ चुकी है ये, एंड बी की वैल्यू आ चुकी है, और बाई बराबर अपने पास जो सॉल्यूशन था, बाई बराबर अपने पास सॉल्यूशन था वो था अपने पास AU+BB, ये अपने पास सॉल्यूशन था, ये अपने पास सॉल्यूशन था AU+BB। बस ये सॉल्यूशन था हमारे पास, AU AB AU अपन BB, तो अपने पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसका सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन था C1x+C2x इनवर्स। ये लेके चले थे हम, तो ये लेके चलने पे अपने पास ये ए और बी की वैल्यू आ चुकी है अपने पास, तो वाई बराबर इसको हम लिख सकते हैं AX+BX इनवर्स, या वाई बराबर आ जाता है अपने पास, सॉल्यूशन जो आ जाता है वो अपने पास ए की वैल्यू रख दो अपने पास 1/2 ई की पावर एक्स प्लस सी वन एक्स प्लस बी की वैल्यू रख दो माइनस बार कॉमन प्लस C2, ये रहेगा C2 रहेगा यहाँ पे ये, तो ये आ गया अपने पास -1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x+2+C2 और एक्स स्क्वायर -2 -1। ये जो इसका सॉल्यूशन आया है, साथ में इसमें e की पावर एक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है, e की पावर एक्स, ये जो सॉल्यूशन आया है वो इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। हम इसको आगे भी सॉल्व करके सॉल्व के अलग अलग फॉर्म बना सकते हैं, लेकिन वो फॉर्म बनाना जरूरी नहीं होता। जो हमारे पास सॉल्यूशन सब ये बाई बराबर जो एक्स का फंक्शन होना चाहिए वो है अपने पास, हम चाहे तो ई की पावर एक्स को कॉमन लेके या फिर एक्स इनवर्स इनका मल्टीप्लाई अंदर करके कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन इसे करने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि सॉल्यूशन का जो मेन फॉर्म होता है अपने पास ये होता है कि बाई बराबर कोई भी एफ एक्स फलन आना चाहिए। अब एफ एक्स, अब कई लोग ऐसे देखते हैं कि बाई बराबर एफ एक्स तो आ गए, लेकिन उस बुक के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो उसमें आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, बुक के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन नहीं मिला कोई बात नहीं, ये जो सॉल्यूशन आया है इसको सीधा जो डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास दी हुई हुई है, ये दी हुई थी x²d²y/dx² + xdy/dx माइनस वाई बराबर x²e की पावर x, इसमें ये रख दीजिए। अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया आपके वाली बुक में कुछ भी आंसर हो, ये आपका सॉल्यूशन इस सॉल्यूशन को इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया, तो आपके द्वारा जो निकाला गया सॉल्यूशन है वो सही है। अब आप इसको आराम से चेक कर सकते हैं कि जो अपने पास जो सॉल्यूशन निकाला गया होगा सही होगा, ये खुद चेक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे युगपत अवकल समीकरण। युगपत अवकल समीकरणों में भी हम वो पढ़ेंगे अचर गुणांकों वाले युगपत अवकल समीकरण, अचर गुणांकों वाले युगपत अवकल समीकरण पढ़ेंगे आज हम।
वो पढ़ने के लिए हम पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं, मतलब डेफिनेशन क्या है इसकी। डेफिनेशन जो है, युगपत अवकल समीकरणों की संख्या आश्रित चरों की संख्या के बराबर होती है तथा समस्त रैखिक होते हैं। इस प्रकार के समीकरण अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण कहलाते हैं। मतलब कि अब इसको हम समझाते हैं, समझते हैं तो इसमें क्या है, युगपत अवकल समीकरणों की संख्या, मतलब कि जो अवकल समीकरण दिए होंगे हमारे पास, ये उनकी संख्या जो कि हमारे पास आश्रित चर राशि, आश्रित चर राशि क्या है इसमें, एक्सपोनेंट एक्स जैसे वाई, एक्सपोनेंट वाई वन के, मतलब दो युगपत समीकरण है तो दो ही आश्रित राशियाँ हैं के बराबर होती हैं, एवं समस्त रैखिक होते हैं। समस्त रैखिक होते हैं मतलब कि एफ ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है तो ये रैखिक होंगे। तो ऐसे जो समीकरण होंगे अचर गुणांकों वाले युगपत रैखिक अवकल समीकरण कहलाते हैं। अब हम ये हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई है, एफ वन डी एक्स प्लस एफ टू डी वाई इक्वल टू फाइव टी, जी वन डी एक्स प्लस जी टू डी वाई इक्वल टू साई टी, इक्वेशन नंबर वन है, इक्वेशन नंबर टू दे लिया हमने, जहाँ पर एफ वन डी एफ टू डी जी वन डी जी टू डी कोई भी पॉलिनोमियल है और डी के, और ये एक्स एंड वाई हैं, ये अपने पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, और टी है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और साई टी और फाई टी है जो टी के फंक्शंस हैं। अब मेथड टू सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, मेथड आप सॉल्व करने के तरीके, मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन ये पढ़ेंगे हम। लेट मान लो, मतलब पहला जो इक्वेशन आता है वो आता है सिंबॉलिक इक्वेशन। सिंबॉलिक इक्वेशन में क्या करते हैं हम, इसमें सॉल्व करने के लिए इसमें हम सबसे पहले जी टू डी का मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें जी टू डी का मल्टीप्लाई करते हैं, और इसमें एफ टी डी इधर से मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों को घटा देते हैं। जैसे हमने ये किया है, एफ वन डी और जी टू डी का मल्टीप्लाई किया है, माइनस एफ टू डी जी वन डी का, जी टू डी का मल्टीप्लाई यहाँ से किया था। इसको हम समझने के लिए ये कर लेते हैं, देखो यहाँ पे हमने इसमें क्या है, अपने बस जी वन डी का मल्टीप्लाई, जी टू डी का मल्टीप्लाई किया है, तो ये आ गया एफ वन डी जी टू डी प्लस एफ टू डी जी टू डी इक्वल टू फाइव टी जी टू डी, ये आ गया। और हम दूसरे में जो किया है उसमें क्या है, हमने एफ टू डी का मल्टीप्लाई एफ टू डी, तो एफ टू डी जी वन डी प्लस जी टू डी, यहाँ एफ टू डी पहले आएगा, इक्वल टू एफ टू डी साई टी, ये आ गया। अब हमने इसमें से अगर हम इसको घटा दें तो ये एफ टू डी जी टू डी, एफ टू डी जी टू डी ये दोनों कट जाएंगे, ये कट गया तो अपने पास बच गया, वो बचा है अपने पास एफ वन डी जी टू डी माइनस, क्योंकि हमने घटाया है इसको, तो ये हो गया एफ टू डी जी वन डी इक्वल टू आ गया अपने पास फाइव टू, इक्वल टू आ गया, यहाँ पे हमने जी टू डी का मल्टीप्लाई किया था, जी टू डी फाइव टी माइनस एफ टू डी साई टी, ये आ गया जो अपने पास यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। विद इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एक्स एंड टी, क्योंकि बाई का बाई हमने इसमें काट दिया है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बचा वो एक्स और टी का बचा है। अब इसको हम जो हमने पहले मेथड पढ़े थे उसके उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करके, जब ना सॉल्यूशन आएगा एक्स बराबर कोई भी फंक्शन टी का आ जाएगा, जो सॉल्यूशन होगा फंक्शन टी का होगा। इसी तरह अगर हम इसमें पहले में जी वन डी का मल्टीप्लाई करें और दूसरे में एफ वन डी का मल्टीप्लाई करके घटाएं घटाएं तो ये आ जाता है अपने पास जी वन डी एफ टू डी माइनस एफ वन डी जी टू डी बाई इक्वल टू जी वन डी फाइव टी माइनस एफ वन डी साई टी, क्वेश्चन नंबर फोर दे दिया। तो इसको सॉल्व करने पर, क्योंकि ये वाई और टी का फंक्शन है, फंक्शन है ओनली, तो इसको सॉल्व करने पर वाई बराबर जी टी आ जाएगा अपने पास। अब यहाँ पे अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो मैट्रिक्स फॉर्म में इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ वन डी जी टू डी माइनस एफ टू डी जी वन डी को, इसको हम लिख सकते हैं एफ वन डी एफ टू डी जी वन टू डी और जी टू डी, देख सकते हैं मल्टीप्लाई करने पर एफ वन डी जी टू डी
F1D G2D F2D G2D ये आ गया। एक्स इक्वल टू जो सॉल्यूशन आया है वो आया अपने पास F2D फाई टी G2D साई टी ये वाला, और जो माइनस के साइन के साथ आया है। इसी तरह F1D वाई को जब किया तो ये आ गया अपने पास F1D साई टी और G1D साई टी। अगर ये सॉल्यूशन कब पॉसिबल है, पहले सबसे बड़ी बात ये पॉसिबल कब है, क्योंकि हमें बाई निकालना है, तो बाई निकालने के लिए इसको इसको इधर ले जाना पड़ेगा, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए ज़रूरी है कि ये इक्वल नॉट जीरो हो, इसका जो मोड हो वो इक्वल नॉट जीरो हो, तो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा। अब फ्रेंड्स दूसरा मेथड आता है, वो आता है अपने पास डिफ्रेंशिएशन मेथड। डिफ्रेंशिएशन मेथड में क्या होता है, अपने पास जो अवकल समीकरण दी हुई होती है वो उसमें होते हैं एक्स होता है, वाई होता है, डी एक्स अपॉन डी टी होता है, डी वाई अपॉन डी टी इस तरह से प्रेजेंट होंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करने के लिए ये इस तरह होंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए दो समीकरण होंगे, उसमें से किसी में एक्स के साथ रेस्पेक्टली डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू निकाल के दूसरे में रख देते हैं। मतलब किसी से एक ही इक्वेशन बना लेते हैं दोनों के सॉल्व करने के, सॉल्व करके हम इसका इक्वेशन एक का एक्स के रेस्पेक्टली कर सकते हैं, इक्वेशन टू का कर सकते हैं, किसी का भी कर सकते हैं। इससे इक्वेशन एक ही बन जाती है, जो कि दो घात की अवकल समीकरण होती है, उसको जो हमने पहले मेथड पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं और अपने आंसर आ जाता है इस तरह से। अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल है अपने पास वो है हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास ये एग्जांपल है, डी एक्स अपॉन डी टी माइनस 7x इक्वल टू वाई प्लस वाई इक्वल टू 0, डी वाई अपॉन डी टी माइनस 2x माइनस 5y इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हम इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले ये सॉल्यूशन इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डी माइनस 7x प्लस वाई इक्वल टू 0, और इसको लिख सकते हैं हम डी माइनस 2y, डी माइनस फाइव सॉरी डी माइनस 5y माइनस 2x इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इक्वेशन टू दे दो, ये हो गया अपने पास। अब हम इसमें से हम y को हटाना चाहते हैं, y को हम विलोपन करना चाहते हैं। y को विलोपन करने के लिए क्या करना होगा हमें, इधर डी माइनस वाई डी माइनस 5y आना चाहिए, तो हमने डी माइनस 5 का इसमें फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर लिया, ये हो गया डी माइनस 7 डी माइनस 5 सॉरी डी माइनस 5 डी माइनस 7 एक्स प्लस डी माइनस 5 वाई इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे कोई होता तो उसका भी उसी के रेस्पेक्टली हो जाता है डिफरेंशिएशन इसके अकॉर्डिंग, और ये आ गया अपने पास डी माइनस 5 वाई माइनस 2x इक्वल टू 0, ये आ गया। अगर हम इसमें से इसको घटा दें तो अपने पास जो आएगा वो आ जाएगा अपने पास डी माइनस 5 डी माइनस 7 एक्स प्लस 2x इक्वल टू 0। इसको और क्या लिख सकते हैं, हम इसको खोलते हैं डी स्क्वायर माइनस 12 डी प्लस 35 प्लस 2 एक्स इक्वल टू 0, या इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस 12d प्लस 37 एक्स इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई जो सेकेंड ऑर्डर की है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के इसका सॉल्व क्योंकि क्यू एक्स इक्वल टू 0 है तो इसका सॉल्यूशन सीधा ही अपना जो CF होगा वही अपना इसका सॉल्यूशन होगा। अब CF निकालने के लिए हमें पहले इसकी सहायक समीकरण जरूरी है। सहायक समीकरण क्या होगी, एम स्क्वायर माइनस 12m प्लस 37 इक्वल टू 0। ये इससे m की वैल्यू क्या निकाली जा सकती है, अपने पास m की वैल्यू उससे निकालेंगे हम बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले फॉर्मूले से। मतलब m बराबर निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला लगाते हैं। इससे अपने पास m बराबर आ जाता है माइनस बी 12 प्लस माइनस बी स्क्वायर 144 माइनस 4ac 4 इंटू 37 माइनस ये आ गया 148 आ गया अपॉन 2a, ए बराबर 1 है 2।
ये आ गया अपने पास, ये तो 6 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2 आयोटा, तो 2 से डिवाइड करने पर आयोटा, प्लस माइनस आयोटा। तो अपने पास सी एफ था वो आ गया अपने पास, इसके लिए सी एफ आ गया, सी एफ जो कि एक्स बराबर है इसका सी मतलब ई की पावर 60 सी वन कॉस टी प्लस सी टू साइन टी, ये आ गया अपने पास। अब हमारे पास एक्स बराबर है, अब हम बाई की वैल्यू किस तरह निकालते हैं। बाई की वैल्यू निकालने के लिए दो मेथड्स हैं अपने पास, एक तो सिंपली हम इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो पहला पहली विधि है हम इसको प्रतिस्थापन द्वारा कर लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि के लिए हमें इसमें क्या चाहिए, यहाँ पे है डी वाई अपॉन डी टी माइनस टू एक्स इक्वल टू माइनस फाइव बाई इक्वल टू जीरो, और एक्स बराबर अपने पास ये है। तो हम पहले 5 का इस समीकरण का टी के रेस्पेक्टली डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, तो अपने पास आ जाता है डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू 6 ई की पावर 60, क्योंकि इसको छोड़ दिया हमने, प्लस ई की पावर 60, अब इसका करना है इसको छोड़ के, तो वो आ जाएगा अपने पास माइनस सी वन साइन टी प्लस सी टू कोस टी, ये आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर, इनको हम इक्वेशन देते चलते हैं, 1 2 दे दिया हमने इसको, इसको हम क्या दे सकते हैं, इसको पहले हम इसको दे दें 3, इसको दे दिया 4 इक्वेशन नंबर 4, और इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 5, ये दे दिया हमने, और ये आ गया अपने पास इक्वेशन नंबर 6 आ गया। अब डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू है अपने पास, एक्स की वैल्यू है, अगर इससे मान हम इसमें रख देते हैं, कहाँ गए, इसमें रख देते हैं, क्योंकि इसमें क्या है डी एक्स अपॉन डी टी माइनस सेवन एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, तो इससे वाई बराबर आ जाएगा अपने पास, ये रख देते हैं हम, तो इसे यहाँ से वाई बराबर क्या है पहले ये देखते हैं, यहाँ से यहाँ से हम कर सकते हैं, वाई बराबर है अपने पास सेवन एक्स माइनस डी एक्स अपॉन डी टी, ये है जिसको हम लिख सकते हैं, सेवन एक्स क्या है अपने पास ई की पावर 60 सी वन कोस टी प्लस सी टू साइन टी माइनस डी एक्स अपॉन डी टी, तो डी एक्स अपॉन डी टी आ गया 6 ई की पावर 60 सी वन कोस टी प्लस सी टू साइन टी माइनस, क्योंकि इसे माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा 6 ने ई की पावर 60 ई की पावर 60, ये हो गया ये माइनस ई की पावर 60 माइनस सी वन साइन टी प्लस सी टू कोस टी, ये अपने पास ही वैल्यू आ गई है इसके पास। अब चाहे तो हम इसको और सॉल्व करके हम जैसे कोस टी इनको एक साथ ले सकते हैं, हम चाहे हम आंसर यहाँ पे जो छोड़ सकते हैं, हम इसका आंसर यहीं छोड़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका जो दूसरा मेथड है वो पढ़ते हैं, दूसरे मेथड के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारे पास क्या है दूसरे मेथड के लिए, सिंपली हमने यहाँ पे एक्स को रिप्लेस किया था, इस बार बाई को रिप्लेस कर देते हैं, मतलब कि यहाँ एक्स को हटाया था हमने, एक्स का विलोपन यहाँ पे हमने वाई का विलोपन किया था पहले इक्वेशन में, वाई का विलोपन किया था, इस बार हम एक्स का विलोपन कर देते हैं, तो एक्स का विलोपन करने के लिए हम क्या करना होगा, एक्स का विलोपन करने के लिए क्या होगा, क्या करना होगा हमें, सिंपली जो इक्वेशन ये दी हुई है इसमें, इस इक्वेशन में तो हमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, और इस इक्वेशन में डी माइनस सेवन का मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद हमें इस दोनों को जोड़ देना है, जोड़ने पे जो अपने पास वाई किस वाई का आ जाएगा, और जिसका हमें सी एफ निकालना है, सी एफ निकालने के बाद जो भी अपना सी एफ आएगा, क्योंकि राइट हैंड में 0 रहेगा, तो जो सी एफ आएगा वो वाई बराबर सॉल्यूशन आ जाएगा। इसको हम आपके लिए एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, आप एक्सरसाइज करके कर सकते हो, यहाँ पे हम ज़रूरी नहीं है वो आंसर इससे मैच खाए, मैच खाएगा, लेकिन उसमें आंसर जो आएगा वो इसी इसी फॉर्म में आएगा कि ई की पावर 60 होगा, और कोई ए कॉस टी प्लस मतलब जो आंसर होगा वाई बराबर, वो इस तरह से आएगा,
ए की पावर 60 होगा और अंदर कुछ ए होगा कॉस टी होगा प्लस बी साइन टी, जहाँ ए और बी कांस्टेंट होंगे, कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं, और साइन टी कॉस टी फॉर्म आएगा, इस तरह से आंसर आएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करना है। अब फ्रेंड्स हम इसे एक और एग्जांपल लेते हैं, वो एग्जांपल है सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है मैंने, डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डी वाई अपॉन डी टी माइनस 2 वाई इक्वल टू 2 cos t माइनस 7 sin t, एंड डी एक्स अपॉन डी टी माइनस डी वाई अपॉन डी टी प्लस 2x इक्वल टू 4 cos t माइनस 3 sin t, ये दिया हुआ है अपने पास। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन के लिए सिंपली हम पहले किस फॉर्म में लिखेंगे इसको, जो प्रतीकात्मक फॉर्म होती है हमने पहले बताई थी उसमें लिखते हैं, तो उसमें यहाँ डी एक्स प्लस यहाँ डी माइनस टू कर सकते हैं, डी माइनस टू वाई इक्वल टू हो गया 2 cos t माइनस 7 sin t हो गया, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको डी यहाँ से प्लस 2 x माइनस डी वाई इक्वल टू ये हो गया 4 cos t माइनस 3 sin t, ये हो गया अपने पास। अब हम क्या करते हैं, इसमें विलोपन करते हैं। सबसे पहले बाई को हम हटा लेते हैं, चलो बाई का विलोपन कर लेते हैं इसमें। तो बाई को विलोपन करने के लिए क्या हो, क्या करना होगा, यहाँ पे हमें बाई का विलोपन करने के लिए इसमें हमें डी का मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस डी का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, सिंपली सिंपली डी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाता है डी स्क्वायर एक्स प्लस डी डी माइनस 2 y इक्वल टू, यहाँ पे d का मल्टीप्लाई करेंगे मतलब डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं d अपॉन डी टी, तो उसका डिफ्रेंशिएशन आएगा माइनस 2 sin t माइनस 7 cos t, ये डिफ्रेंशिएशन आ गया। अब इसमें हमने क्या है, d माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो ये हो जाता है डी स्क्वायर माइनस 4 x माइनस डी डी माइनस 2, तो डी माइनस 2 को मल्टीप्लाई किया है हमने, ये हो गया वाई इक्वल टू डी माइनस 2, मतलब एक बार तो डिफ्रेंशिएशन करना है इसका, इसका हम डिफ्रेंशिएशन करना है, तो वो आ जाएगा 4 sin t माइनस साइन माइनस 3 cos t माइनस 2। अब माइनस 2 का अप्लाई करना है तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 8 sin t माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 6 नहीं कि 8 cos t आया, cos t माइनस प्लस 6 sin t ये आया अपने पास, ये cos है cos, ये आया अपने पास। अब हम इन दोनों को अगर सम कर दें तो ये अपने पास, ये इसका सम करने पर ये कट जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 4 x इक्वल टू, अब हमने ये सम किया है तो 6 sin t माइनस 2 sin t माइनस 4 sin t, तो ये तो कट गया, साइन टी तो पूरा पूरा गया। अब कोस टी में देखते हैं, माइनस 7 cos t माइनस 2 cos t माइनस 8 cos t, 10 cos t माइनस 18 cos t हो गया, माइनस 18 cos t आ गया अपने पास, ये हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2d² मतलब 2 कॉमन ले सकते हैं इसमें से इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस 2 x इक्वल टू, जो 2 हमने कॉमन लिया है उसका यहाँ डिवाइड कर दिया हमने, तो ये हो गया माइनस 9 cos t, ये आ गया अपने पास। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें सहायक समीकरण चाहिए, वो होगा m² माइनस 2 इक्वल टू 0, m बराबर प्लस माइनस 2 रूट 2 आ गया है, एम बराबर प्लस माइनस रूट 2। तो इसका सी एफ क्या हो गया, अपने पास सी एफ हो गया सी वन ई की पावर √2 x प्लस C2 ई की पावर माइनस √2 x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया हमने इसको। अब हम इसका हम निकालते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल PI निकालते हैं, क्योंकि जो अपना जनरल सॉल्यूशन होता है वो सी एफ प्लस PI होता है, तो PI निकालते हैं। PI क्या होता है, 1/FD ऑफ क्यूब एक्स, ये तो 1/FD क्या है, FD क्या है, डी स्क्वायर माइनस 2, 1/D² माइनस 2, और क्यू एक्स क्या है, माइनस 9 qx से t, मतलब माइनस 9 cos t।
अब यहाँ पे हम एक्स से टी रिप्लेस किया हमने, या टी टी का फंक्शन हो गया ये रिप्लेस किया हमने, तो ये आ गया -9, तो 12 आ जाएगा, -9 डी स्क्वायर -2 कोस टी। अब -a² हम अप्लाई करें तो ये 0 नहीं होता, तो हम अप्लाई कर सकते हैं आराम से, तो ये आ जाएगा अपने पास -9 अपॉन -3 कोस टी इक्वल टू 3 कोस टी, ये आ गया अपने पास। तो अपने पास जो सॉल्यूशन आ गया x बराबर वो क्या है, सी एफ प्लस पी आई, मतलब सी एफ क्या था अपने पास, ये है सी वन ई की पावर 2x प्लस सी टू ई की पावर -2x, और पी आई है वो है 3 cos t, इसको हम लिख देते हैं सी वन ई की पावर √2x प्लस सी टू ई की पावर -√2x प्लस 3 cos t। एक्स एक्स नहीं है सॉरी, टी है टी, क्योंकि टी अपने पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टी टी, और टी के रेस्पेक्ट में ही हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो टी है अपने पास, ये आ गया अपने पास एक्स बराबर। अब हमें निकालना एक्स बराबर तो अपने पास आ गया, अब लेकिन हमें बाई की वैल्यू भी निकालनी है। अब बाई की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसका डीएक्स अपॉन डीटी निकालें, डीएक्स अपॉन डीटी निकालें और किसी एक में रख दें हम इसको, तो डी वाई के फॉर्म में कुछ आ जाएगा, इसे डी वाई अपॉन डी टी इसमें आ जाएगा, इसमें रख के देखते हैं हम सबसे पहले। इस पहले हम इसमें निकाल लेते हैं डी एक्स अपॉन डी टी, जो आ जाएगा अपने पास √2 c1 e की पावर √2 t -√2 c2 e की पावर -√2 t -3 sin t, ये आ गया अपने पास। अब हम डी एक्स अपॉन डी टी वैल्यू इसमें रख रहे हैं, डी एक्स अपॉन डी टी एंड एक्स की वैल्यू इसमें रख रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, इससे सबसे पहले डी वाई बराबर निकाल लेते हैं, इससे डी वाई बराबर क्या होगा, डी वाई अपॉन डी टी बराबर वो होगा अपने पास डी एक्स अपॉन डी टी प्लस 2x -4 cos t -3 sin t। इसमें हमने क्या किया है, इसमें डी वाई अपॉन डी टी को इधर ले गए हैं, इस साइड ले गए हैं, और इस साइड का जो भी था उसको इधर ले आए हैं, बस हमने ये किया है। अब हमने ये निकाल लिया, अब हम डी वाई अपॉन डी टी बराबर, अब डी डी एक्स अपॉन डी टी वैल्यू अपने पास है, एक्स की वैल्यू अपने पास है, और ये तो अपने पास है ही, तो हमने डी वाई अपॉन डी टी वैल्यू इसमें रख लेते हैं, वो आ जाता है √2 c1 e की पावर √2 t -√2 c2 e की पावर -√2 t -3 sin t, और एक्स की वैल्यू है वो है, एक्स की वैल्यू 2 का मल्टीप्लाई करके √2 c1 e की पावर √2 t +√2 c2 e की पावर -√2 t +6 cos t, और आगे क्या है अपने पास, -4 cos t -4 cos t -3 sin t, -3 sin t है, ये हो गया। अब हम इसको रीअरेंज करते हैं, तो डी वाई अपॉन डी टी बराबर क्या आ जाएगा, पहले सबसे पहले हम e1 √2 t की पावर, जो ये e1 की पावर √2 t है, इस बार फंक्शन को ले लेते हैं, इसको और इसको, और जो कॉन्स्टेंट है √2 c1 2 c2, इसको हम एक अलग कॉन्स्टेंट दे देते हैं ए, मतलब √2 c1 प्लस 2 c2 जो इसका कांस्टेंट आया है, 2 c2 ये कांस्टेंट आया है इधर का, ये इसको हम अलग कांस्टेंट दे देते हैं जो आता है ए अपने पास, और ये आ जाता है e की पावर √2 t। इसी तरह इसका और इसका सम, इन दोनों को सम को हम अलग से कांस्टेंट दे देते हैं बी ई की पावर -√2 t, ये आ गया। अब 6 cos t 6 cos t और ये अपने पास 4 cos t, तो ये आ गया +2 cos t और ये -3 sin t है, ये अपने पास -3 sin t और -3 sin t दो बार है, हेलो फ्रेंड्स, हमने यहाँ थोड़ी सी गलती की है, यह किया है गलती जो थी वो अपनी पास ये थी, हम माइनस इसको इधर लेके आए हैं यहाँ पे, इसमें डी वाई अपॉन डी टी निकाला है, तो ये प्लस का आएगा, और अब प्लस का आएगा यहाँ पे भी, ये प्लस का आया है डी वाई अपॉन डी टी, ये प्लस का आया, तो ये प्लस का है, इससे ये कट गया अपने पास, ये आ गया अपने पास, कुल मिला के डी वाई अपॉन डी टी बराबर आ गया ए ई की पावर √2 t प्लस बी ई की पावर -√2 t प्लस 2 cos t, ये नहीं है अपने पास। अब ये आ गया अपने पास, इधर ये टी का फंक्शन है, इधर बाई का बाई डी वाई अपॉन डी टी है,
तो हम इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन पे वाई बराबर आ जाता है। इसका इंटीग्रेशन किया तो क्या आ गया, ए की पावर रूट टू टी अपॉन रूट टू प्लस बी माइनस रूट टू, नीचे गया ए की पावर माइनस रूट टू टी इंटीग्रेशन प्लस टू साइन टी, इंटीग्रेशन पे ही आ गया अपने। तो इसको हम अलग कांस्टेंट दे सकते हैं, इसको अलग दे सकते हैं। तो अपने पास जो बाई बराबर निकल के आया है वो आया है, अपने पास बाई बराबर आया है ए डैश ई की पावर रूट टू टी प्लस बी डैश ई की पावर माइनस रूट टू टी माइनस प्लस टू साइन टी। ये अपने पास सॉल्यूशन आ गया है इसका। इसी तरह से हम इसे कई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, खुद आप ट्राई करें। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन था, राजस्थान यूनिवर्सिटी में कई बार पूछ जाते हैं इस क्वेश्चन है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में कब पूछा गया है ये देखते हैं। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी 2004-2007 में पूछा गया, अजमेर में भी पूछा गया 2002 में, बीकानेर में पूछा गया 2004-2006 में, और यहाँ तक कि जोधपुर यूनिवर्सिटी में भी कई बार पूछा जा चुका है। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की तरीके, मतलब कोई भी अपने पास अवकल समीकरण दी हुई होगी उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये देखने के लिए हम उसे कुछ तरीके होते हैं जिन पे हम एक एक करके विचार करेंगे। सबसे पहले आते हैं अपने पास फर्स्ट जो भी वो होता है समीकरण जिनमें चर पृथक पृथक किए जा सकते हैं, आई मीन इक्वेशन इन विच वेरिएबल आर सेपरेबल, आर सेपरेबल। अब इनको देखते हैं, मतलब समीकरण जो भी समीकरण होंगे उनमें जो अपने वेरिएबल होंगे उनको अलग अलग कर सकते हैं। अगर हम ऐसा कर लेते हैं, कोई भी इक्वेशन दी होगी और उसको वेरिएबल को अलग कर सकते हैं, मतलब एक्स के एक तरफ कर सकते हैं, वाई को एक तरफ कर सकते हैं, तो हम उसको हम इस तरह लिख सकते हैं एफ वन एक्स ऑफ डी एक्स प्लस एफ टू वाई ऑफ डी वाई इक्वल टू जीरो। अब जब अपने पास हम इस तरह इस फॉर्म में बदल लेते हैं उसको, तो उस फॉर्म में बदलने के बाद उसका सॉल्यूशन अपने पास सिंपली हो जाता है। इसको हम कर सकते हैं एफ वन एक्स इक्वल टू इक्वल प्लस एफ टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये लिख सकते हैं हम। और नहीं तो हम यहाँ यहीं से सीधा ही इसका समाकलन कर देते हैं, एफ वन एक्स ऑफ डी एक्स प्लस एफ टू वाई समाकलन ऑफ डी वाई बराबर जीरो। और जो भी अपने पास सॉल्यूशन आता है वो इस तरह से होता है, मतलब कि उसको एफ वन एक्स ऑफ डी एक्स प्लस एफ टू वाई ऑफ डी वाई और इसका समाकलन होता है वो होता है सी। इस तरह अपने पास इस फॉर्म में आंसर आ जाता है। अब इसके लिए हमने एग्जांपल लेते हैं, अब मान लिया हमने एग्जांपल ले लिया है एक्स प्लस वाई सॉल्व, ये सॉल्व करना है एक्स प्लस वाई डी एक्स माइनस डी वाई इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई। अब हमें ये सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इनको एक तरफ इस तरह के हम ट्राई करते हैं कि इनके जो फैक्टर है वो एक साथ बन जाए, और फैक्टर नहीं बन तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं डी एक्स माइनस डी वाई बटे डी एक्स प्लस डी वाई बटे एक्स प्लस वाई। अब यहाँ अगर हम एक्स प्लस वाई को हम क्लियरली देख सकते हैं, एक्स प्लस वाई को टी मान लें, और जैसे एक्स प्लस वाई लेट एक्स प्लस वाई बराबर टी, तो ये इम्प्लाई करता है डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू डी टी, और डी एक्स डी वाई ये सब अलग ही हैं, तो ये हो गया डी एक्स माइनस डी वाई इक्वल टू वन अपॉन टी ऑफ डी टी। ये सब अलग अलग हो गए, डी एक्स अलग है, डी वाई अलग है, डी टी अलग है। अब हम इनका डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन आ जाता है इसका आ जाएगा एक्स, इसका आ जाएगा वाई और इसका आ जाएगा लॉग टी प्लस सी वन। बट लॉग टी बराबर क्या है अपने पास, एक्स प्लस वाई, तो एक्स माइनस वाई बराबर लॉग एक्स प्लस वाई प्लस सी वन। इस तरह हम आंसर दे सकते हैं, ये इसका आंसर हो गया। अब कई कई जगह इसका आंसर ऐसे भी दिया हुआ होगा
एक्स माइनस वाई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई, और जो सी वन माना होगा उसको मान लिया चलो लॉग सी, या अपने ऊपर है सी को हम किस तरह कॉन्स्टेंट माने, तो उसको इसको हम लिख सकते हैं लॉग सी एक्स प्लस वाई, क्योंकि लॉग एम प्लस लॉग एम एन लॉग एन लॉग एम प्लस लॉग एन बराबर होता है लॉग एम एन। तो ये हो गया, ये एक्स माइनस वाई बराबर ये हो गया अपने पास। अब दोनों तरफ हम एक्सपेंशन ले लेते हैं, तो ये तो हो जाता है ई की पावर एक्स माइनस वाई ई की पावर लॉग सी एक्स प्लस वाई। ये क्या होता है, ई की पावर सी ये ई के ऊपर जो लॉग होता है वो सिंपली सी एक्स प्लस वाई हो जाता है। सो अपने पास आ गए सी एक्स प्लस वाई बराबर ई की पावर एक्स माइनस वाई, ये भी आंसर हम इसका दे सकते हैं। अब इसी के लिए हम और क्वेश्चन लेते हैं जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। राजस्थान यूनिवर्सिटी 2009 में आया था, राजस्थान यूनिवर्सिटी 2009 ये क्वेश्चन है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स, ये हुआ है दिया हुआ है। और अब इसमें वेरिएबल सेपरेबल की मदद से हेल्प करते हैं फ्रेंड्स, ये हमें खुद चेक करना होगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से फॉर्म से चेंज हो रहा है, या हमें पेपर में दिया नहीं होगा कि हमें वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व करना है या किसी और विधि से सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम बाई अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाता है एक्स प्लस वन, और अगर यहाँ से एक्स कॉमन ले लें तो हो जाता है बाई प्लस वन। ये आ गया अपने पास, अभी आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई एक्स प्लस वन और एक्स वाई प्लस वन। अगर हम ऐसा करें इसमें वाई प्लस वन को यहाँ ले जाएं वाई प्लस वन, और इस वाई को नीचे ले आएँ वाई डी वाई, और डी एक्स को उधर ले जाएं एक्स प्लस वन एक्स अपॉन डी एक्स, ये हो गया। तो हम इसको और हम लिखना चाहें तो वन प्लस वन अपॉन वाई ऑफ डी वाई इक्वल टू वन प्लस वन अपॉन एक्स ऑफ डी एक्स। हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन करने पर इंटीग्रेट बोथ साइड, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आ जाता है अपने पास इसका वन का तो वाई हो जाएगा प्लस वन अपॉन वाई लॉग वाई इक्वल टू वन का हो जाएगा एक्स प्लस लॉग वन अपॉन एक्स लॉग एक्स प्लस सी। अब हम इसको लॉग की टर्म को दोनों को एक तरफ ले आते हैं तो ये हो जाता है लॉग वाई माइनस लॉग एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस सी। अब लॉग वाई माइनस लॉग एक्स जो कि उस फॉर्मूले से लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर होता है लॉग एम अपॉन एन, तो इसको लिख सकते हैं लॉग वाई अपॉन एक्स बराबर एक्स माइनस वाई प्लस सी। अब हम दोनों तरफ एक्सप्रेशन ले लेते हैं तो यह आ जाता है एंटी लॉग ले लेते हैं तो यह आ जाता है वाई अपॉन एक्स बराबर ए की पावर एक्स माइनस वाई प्लस सी। अब ए की पावर एक्स माइनस इसको क्या लिख सकते हैं ए की पावर एक्स माइनस वाई ए की पावर सी, ये अनदर नया कॉन्स्टेंट आ गया तो ये आ गया सी दूसरा सी है ई की पावर एक्स माइनस वाई वाई अपॉन एक्स बराबर, या वाई बराबर आ गया अपने पास एक्स सी ई की पावर एक्स माइनस वाई, ये हो गया। अब इसको हम चाहे तो दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं, जैसे हमने डी वाई अपन डी एक्स से इनमें एक्स कॉमन ले लिया, इधर वाई ले लिया, इधर एक्स कॉमन ले लिया, उसके बाद हमने क्या किया है डी वाई अपन डी एक्स इसको ये यू की टर्म में लिख दिया और अलग अलग कर लिया, डी वाई डी वाई की फॉर्म को एक तरफ ले लिया, एक्स की फॉर्म को एक तरफ ले लिया, उसके बाद उसमें वाई का भाग दे दिया है और इधर एक्स का भाग दे दिया है और फिर इंटीग्रेशन कर दिया है, और उसके बाद इंटीग्रेशन के बाद हमने इसको बस रीअरेंज किया है, ये कुछ नहीं है रीअरेंजमेंट है। हाँ, हमें अगर आंसर यहाँ पे भी छोड़े तो ये भी आंसर अपना ठीक है, ये रीअरेंजमेंट के बाद हमने उस आंसर को अच्छी तरह से मॉडिफाई करके लिखा हुआ है, बस और कुछ नहीं है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2011 में पूछा गया है, वो क्वेश्चन है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर वाई। अब फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स
इसको क्या लिख सकते हैं हम, ई की पावर एक्स प्लस वाई को ई की पावर एक्स डॉट ई की पावर वाई लिख सकते हैं, क्योंकि आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो आधार समान है घातें जुड़ गई, तो ई की पावर एक्स प्लस वाई लिख दिया, ये एक्स स्क्वायर ई की पावर वाई। अब हम ई की पावर वाई यहाँ से और यहाँ से दोनों से कॉमन ले लेते हैं, तो ई की पावर वाई आ गया, ये आ गया ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम देखते हैं ई की पावर वाई को अगर नीचे ले आए तो वन अपॉन ई की पावर वाई डी वाई इक्वल टू ये आ गया ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स। इसको हम लिख सकते हैं ई की पावर माइनस वाई डी वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन करने पर माइनस ई की पावर माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस सी, ये हम आंसर आ गया। इसी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, मतलब ई की पावर माइनस वाई बराबर इधर ले जा इस बाकी सब साइन को इधर ले जाते हैं, तो इधर माइनस ई की पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री और ये सी वन है। अब इसको इधर ले जाते हैं तो सी वन को सी वन माइनस सी जो भी आता है उसको हम एक अलग सी दे देते हैं, इस तरह ये आ गया अपने पास आंसर। अब आते हैं अपने पास समघात अवकल समीकरण। समघात अवकल समीकरण मतलब कि आता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम देखते हैं, जैसे अगर हम उसको लिखें कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कोई भी फंक्शन होगा ऊपर एफ एक्स और वाई का, उसमें कांस्टेंट भी शामिल हो सकते हैं, कांस्टेंट होगा नहीं भी शामिल, और दूसरा है एफ टू एक्स अपॉन वाई का, तो इन दिस के अगर ये होमोजीनियस है तो इसके जो भी हाई सभी जो भी टर्म होंगे उनकी घात और इनकी सभी की जो भी टर्म होंगी उनकी घात बराबर होगी, यही होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। अगर इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास सीधा हम सिंपल तरीके निकालते हैं कि इसमें जो भी ये है उसमें वाई अपॉन एक्स बना लेते हैं, मतलब कि एक्स कॉमन ले लेते हैं दोनों तरफ से, तो एक्स कट जाता है, तो वाई बराबर हम वी एक्स मान लेते हैं, वाई बराबर वी एक्स। तो इससे हम जब सोल्व करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वी और एक्स का एक्स के सब साथ अवकलन करते हैं तो बना जाता है प्लस इस पर एक्स को छोड़ के डी वी अपॉन डी एक्स, और इसको जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये डी वी अपॉन डी एक्स के इक्वल हम लिख सकते हैं डी वी अपॉन जो डी वाई अपॉन डी एक्स जब होता है उसकी जगह हम ये वैल्यू रख देते हैं, और ये वैल्यू मान रखने के बाद जो हम उसका सॉल्यूशन करते हैं तो अपने डी वाई अपॉन डी एक्स का सॉल्यूशन करते हैं तो वो अपने पास वी की फॉर्म में आ जाता है, वी और एक्स की फॉर्म में, और वो सेपरेबल फॉर्म में बदल जाता है, उसके बाद हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं उसको। अब जैसे हम ये क्वेश्चन लेते हैं जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में कई बार पूछा गया है, ये पूछा गया है राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2007 2012 2014 ये है एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर ऑफ डी एक्स माइनस एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई ऑफ डी वाई। अब अगर हम इसको डी वाई अपॉन डी एक्स के रूप में लिखें डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो, तो पहले हम सबसे पहले इसको इधर ले जाते हैं तो डी ये पहुंच जाता है, उसके बाद हम इसका नीचे डिवाइड कर दे देते हैं तो ये हो जाता है अपने पास एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई, ये इस फॉर्म में लिखा गया है। उसके बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं अपना वही काम वाई बराबर बी एक्स, वाई बराबर बी एक्स ले लेते हैं, वाई बराबर बी एक्स, या फिर हम इसमें सबसे पहले करेंगे एक्स की पावर है जो कॉमन ले लें, तो हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने तो उसमें ये बच गया अपने पास एक्स स्क्वायर या कॉमन ले लिया, नहीं वाई बराबर बी एक्स रख लेते हैं, वाई बराबर बी एक्स रखने के बाद हम करते हैं इसको डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर आ जाता है वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, तो ये रख लेते हैं वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब वाई बराबर बी एक्स रखा है तो वाई की जगह वी और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो गया, ये माइनस टू
एक्स, और वाई की जगह वी एक्स, तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। उसके बाद ये एक्स क्यूब है ही, माइनस 3 वाई की जगह वी एक्स और एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया वी एक्स क्यूब। तो हम देखते हैं इसमें एक्स क्यूब यहाँ पर भी है, एक्स क्यूब यहाँ पर भी बन जाता है, यहाँ पे एक्स क्यूब, यहाँ पे भी एक्स क्यूब, एक्स क्यूब कॉमन लेके काट देते हैं। तो ये कटने के बाद हो गया अपने पास वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी माइनस 2v² अपॉन 1 - 3v, ये हो गया। अब हम v को उधर ले जाते हैं इसको, तो ये होता है एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी माइनस 2v² 1 - 3v माइनस वी। अब हम जब इसको घटाते हैं तो ये आ जाता है v माइनस 2v² माइनस वी 1 - 3v अपॉन 1 - 3v। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है अपने पास वी माइनस 2v² माइनस वी, एंड ये आ जाता है माइनस का माइनस माइनस प्लस 3v² अपॉन 1 - 3v। वी से वी गया, माइनस 2v² से इसमें से ओनली वी स्क्वायर बच गया, तो ये आ गया अपने पास वी स्क्वायर अपॉन 1 - 3v। तो अपने पास जो इक्वेशन आई वो आ गई है एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 1 - 3v, अभी आ गए। तो हम ये करते हैं 1 - 3v, वी की टर्म को इधर ले आते हैं, ये वी है, तो ये हो जाता है 1 - 3v अपॉन वी स्क्वायर डी वी, और एक्स की टर्म को इधर ले जाते हैं डी एक्स, और ये इस एक्स को नीचे ले गए तो ये एक्स आ गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन v² माइनस 3 अपॉन v ऑफ डी वी इक्वल टू 1 अपॉन x ऑफ डी एक्स आ गया। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो 1 अपॉन v² का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन v, इसका क्या होगा माइनस 3 log v इक्वल टू log x प्लस log c। अब हम v की वैल्यू रख देते हैं, v की वैल्यू क्या है अपने पास, v की वैल्यू है v बराबर, यहाँ से v बराबर आ जाता है y अपॉन x, तो v की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाता है v y अपॉन x, मतलब x अपॉन y माइनस का माइनस 3 log y अपॉन x इक्वल टू log x c, ये हो गया, जो कि अपने पास आंसर है। इसको मॉडिफाई करके हम और भी मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन हमें मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम आंसर यहाँ छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब हम इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जो कि 2012 में पूछा गया, राजस्थान यूनिवर्सिटी 2012 में का क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस प्लस सॉरी 2x y ऑफ dy इक्वल टू 0। इसका हमें इक्वेशन निकालनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले dy अपॉन dx या dx अपॉन dy की फॉर्म में बदलने की कोशिश करते हैं। तो उसकी फॉर्म में बदलने के लिए हम सबसे पहले इसको dy अपॉन ये ले जाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑफ dx इक्वल टू 2xy माइनस के साइन dy, ये हो गया। अब इस फॉर्म में बदलने के लिए हम dy अपॉन dx में बदल लेते हैं इसको, तो dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि dx को नीचे ले आए और इसका प्लस माइनस, क्योंकि माइनस से गुणा करना पड़ेगा एक बार, तो और ये हो गया अपने पास 2xy। इसको हम ऑल्सो और सॉल्व करें तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। इसको और सॉल्व करें हम डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यह आ जाता है अपने पास माइनस एक्स अपॉन 2y प्लस वाई अपॉन 2x, यह आ जाता है अपने पास। अब हम ले लेते हैं y बराबर वी एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं, इससे हमारा आ जाता है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स,
जबकि वाई अपॉन वी एक्स लिया है तो अपने पास आ जाता है वी बराबर वाई अपॉन एक्स ये आ जाता है। तो हम ये वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, रख देते हैं वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस टू एक्स अपॉन वाई। तो इसको हम वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में इसको वन अपॉन वी लिख सकते हैं, माइनस टू ये आ गया प्लस वी बाई टू ये आ गया अपने पास। अब हम वी की टर्म को इधर ले जाते हैं, वी की टर्म को जब इधर ले जाते हैं तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ जाता है अपने पास, ये इधर गया तो माइनस वी बाई टू माइनस वी हो जाएगा, तो वी प्लस वी बाई टू माइनस वी बराबर आ गया माइनस वी बाई टू। तो माइनस का साइन वन अपॉन टू वी प्लस वी बाई टू ये आ गया। अब हम इसको और सॉल्व करते हैं, तो इसको हम माइनस वन अपॉन टू वी लघुत्तम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं, वन प्लस वी स्क्वायर ये आ गया। अब हम ये आ गया तो अपने पास सबसे पहले हम करते हैं वी की टर्म को इधर ले आते हैं, तो ये आ जाता है वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर। हमने वन माइनस माइनस वन बाई टू को जो छोड़ दिया है तो इसको माइनस वन बाई टू ये डी वी है और ये अपने पास आ गया या डी एक्स ये आ गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम सिंपली ये टू का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो टू बाई आ गया, ये माइनस डी एक्स रह गया ओनली इधर। तो वन प्लस वी स्क्वायर बराबर हमने क्या मान लिया टी, तो ये अपने पास देता है टू वी ऑफ डी वी बराबर डी टी। तो ये वन अपॉन टी ऑफ डी टी इक्वल टू माइनस डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आ जाता है लॉग टी इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। लॉग टी, लॉग टी की जगह क्या लिख सकते हैं, वन प्लस वी स्क्वायर, लॉग वन प्लस वी स्क्वायर बराबर माइनस एक्स प्लस सी। अब वी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वाई अपॉन एक्स, तो ये था लॉग वन प्लस वाई अपॉन एक्स ये स्क्वायर है यहाँ पे इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। अब इसको हम आंसर को यहीं छोड़ देते हैं, इसको और भी मॉडिफाई कर सकते हैं लेकिन मैं मॉडिफाई इसको करूँगा नहीं क्योंकि मुझे नहीं लगता मॉडिफाई करने की कोई ज़रूरत होती है। इसके बाद अपने पास आते हैं रूट डिफरेंशियल इक्वेशन और थ्री डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि समघात समीकरण में बदली जा सकती है, यानी इक्वेशन रिड्यूसेबल टू होमोजेनियस इक्वेशन। मतलब कि अगर डी वाई अपॉन डी एक्स कोई समीकरण होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इस तरह की जो भी इक्वेशन होगी, इस तरह की इक्वेशन को हम समघात समीकरण में बदल सकते हैं। इसको बदलने के लिए अपने पास सिंपली दो तरीके होते हैं, केस फर्स्ट होता है अगर ए अपॉन ए इक्वल नॉट बी अपॉन बी हो, उस कंडीशन में क्या केस होता है अपने पास ये देखते हैं। उस कंडीशन में हम लिख देते हैं एक्स बराबर एक्स प्लस एच एंड वाई बराबर वाई प्लस के, और अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स बदल के क्या जाएगा अपने पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए एच प्लस बी के प्लस सी। या इस तरह नीचे हम देखते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए एच प्लस बी के प्लस सी ये आ जाता है। हम यह एच और के का जो चयन करते हैं, एच और के को इस तरह लेते हैं कि उनसे ये क्वेश्चन ए एच प्लस बी के प्लस सी इक्वल टू जीरो एवं ए एच प्लस बी के प्लस सी कैपिटल सी इक्वल टू जीरो ये वो। इस तरह दो इक्वेशन से हम एच और के का मान निकाल लेते हैं, इन दो इक्वेशन से एच और के का मान निकाल लेते हैं क्योंकि ए और बी अपने पास कांस्टेंट है, एच और के जो कि अननाउंस है उनका मान निकाल लेते हैं। उनका मान निकालने के बाद इस इक्वेशन को हम जीरो के इक्वल रख के हम डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई ये इस फॉर्म में बदलने के बाद, अब ये जो अपने पास इक्वेशन है ये होमोजीनियस इक्वेशन है। अब इस फॉर्म इस तरह की जो भी इक्वेशन बदल जाती है उसको हम होमोजीनियस इक्वेशन
से सॉल्व करके एक्स और इससे यहाँ से बाद में हम जो सॉल्व करके हम एक्स की वैल्यू जो वो रखते हैं एक्स माइनस एच एंड वाई बराबर वाई माइनस एच, इस तरह ये वैल्यू रख के हम आराम से उसको सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। अब अपने पास आता है दूसरा केस, केस सेकंड। यदि अपने पास इस तरह हो ए अपॉन ए इक्वल टू बी अपॉन बी, अगर ये दिया हुआ हो तो हम मान लेते हैं किसी मतलब ए अपॉन ए इक्वल टू इन दोनों इक्वल मान लेते हैं हम वन अपॉन एम मान लेते हैं। जब ये मान लेने पर हमारे पास जो समीकरण है वो इस तरह से बदल जाता है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब ये किसी अनुपात में है तो ये एम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इसमें बदल गया। अब इसमें बदलने के बाद जब ए एक्स प्लस बी वाई भी है ना ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल इसको हम डब्ल्यू के इक्वल मान लेते हैं। अब इससे हम निकाल सकते हैं डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स बराबर आ जाता है ए प्लस बी डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ये हम मान इस समीकरण में रख देते हैं जो पहले मान दिया हुआ है, इनमें मान रखने पे ये अपने पास जो बदल के आ जाता है वो आ जाता है वन अपॉन वी डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स माइनस ए इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन सी प्लस एम डब्ल्यू प्लस कैपिटल सी, ये आ गया। इसको हम और भी अगर सॉल्व करें तो ये बदल सकता है डी डब्ल्यू बदल जाता है डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स बराबर बी डब्ल्यू प्लस बी सी एम डब्ल्यू प्लस सी कैपिटल सी प्लस ए, इस फॉर्म में बदल जाता है। इस फॉर्म में बदलने के बाद ये आराम से अपने पास एक इंटीग्रेशन तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं। अब फ्रेंड हमारे पास एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पास कोई एग्जांपल है पहले से सॉल्व। हेलो फ्रेंड्स, हमारे किसी फ्रेंड ने बोला है कि अवकल समीकरण से रिलेटेड कुछ पढ़ाइए, तो हम ये अवकल समीकरण का ही टॉपिक ले लेते हैं। अवकल समीकरण जो अपने पास बीएससी में भी आता है, राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, ब्रज यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उसमें अवकल समीकरण ज़रूर होता है। साथ ही ट्वेल्थ क्लास में जो अपना एनसीईआरटी का ट्वेल्थ क्लास का सिलेबस आया है उसमें भी डिफरेंशियल इक्वेशन को अलग से रखा गया है। तो हम आज वही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन देखते हैं। अब हम जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए एक समीकरण होगा जो स्वतंत्र चरों, जो आश्रित भी हो सकते हैं, स्वतंत्र स्वतंत्र चर एवं आश्रित चर के अवकल गुणांक के रूप में परिभाषित होगा, तो उसको अवकल समीकरण कहते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई समीकरण ले लेते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस वन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें ये हम जैसे ये वाई एक्स के रेस्पेक्ट में आश्रित है। अब आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के जो फॉर्म होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन दो प्रकार के होते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट होती है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकंड होती है वो होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का हम जहाँ जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे वो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने के लिए हमें वो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि इसमें जो भी अपने चर होंगे उनमें एक चर आश्रित होगा, एक चर तो स्वतंत्र होगा यानी कि इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट एवं भी डिपेंडेंट होगा।
और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एक चर डिपेंडेंट होता है, बाकी सर इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब पार्शियल डिफरेंशियल में सारे चर तो इंडिपेंडेंट होते हैं, सिर्फ एक चर डिपेंडेंट होता है। हम जैसे अब दोबारा से इसको रिवाइज करें तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की परिभाषा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की परिभाषा इस देश जब किसी अवकल समीकरण के अवकल गुणांक में केवल एक ही चर स्वतंत्र है, एक ही स्वतंत्र चर के साथ अवकलन होता है। जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं तो हम जिसमें वाई के अलावा जो भी अगर जेड आ रहा है, कोई भी ए बी सी डी कुछ भी आ रहा है, इस जेड वाई के अलावा जो भी आ रहा है वो हम सब कॉन्स्टेंट लेके चलेंगे। और जबकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा नहीं होता। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स उसको लिखते ही नहीं, उसको लिखते हैं डेल वाई अपॉन डेल एक्स, यानी कि अब डेल वाई अपॉन डेल एक्स अगर इसमें जेड भी कहीं वाई बराबर ये आ जाता है एक्स वाई जेड कुछ आ जाता है, या वाई बराबर जेड आ जाता है। जब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स एवं डेल जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स। जबकि अगर हम यही ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको कर रहे होते तो इसको हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल देते और इसको हम कॉन्स्टेंट मान के इसको जीरो कर देते। ये फ़र्क होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आता है पार्शियल डिफरेंस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ डेफिनेशंस जिनमें आता है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हम सबसे पहले ये रहता है ऑर्डर एंड डिग्री। अब ऑर्डर कितने ऑर्डर का है, मतलब कि वो ऑर्डर के लिए हम सबसे चेक करते हैं इक्वेशन में कि वो डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा हुआ है तो एक ऑर्डर वन ऑर्डर का है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो टू ऑर्डर का है, डी क्यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है एक्स क्यूब लिखा हुआ है थ्री ऑर्डर का है। मतलब जो जो सा भी सबसे बड़ा होता है वो उतने ऑर्डर का होता है। अब ज़रूर नहीं है अगर जैसे कहीं इक्वेशन में आ जाए डी क्यू अपॉन बाई डी एक्स क्यू प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, अगर ऐसे पूछे हम ये कितने ऑर्डर का है तो कई लोग ये कहेंगे नहीं सर ये इसमें दो भी आ रहा है थ्री भी आ रहा है हम क्या करें। जो भी ज़्यादा होगा ज़्यादा ऑर्डर का वो उतने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अब हम आते हैं इसकी डिग्री पे, डिग्री क्या होती है। अब डिग्री के लिए हम सिंपली देखते हैं जो भी हाईएस्ट ऑर्डर का होता है उसकी घात, हाईएस्ट ऑर्डर जो भी होता है उसकी जो भी घात होती है यानी उसकी जो भी डिग्री होती है वो हाईएस्ट ऑर्डर वो उसकी डिग्री होती है। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं जिनमें हम देखते हैं ऑर्डर एंड डिग्री निकालते हैं। ले लिया हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले ली डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का क्यूब बराबर साइन एक्स, ये ले लिया हमने। अब इसमें हमें देखना है इसमें ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। सबसे पहले ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर देखने के लिए सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी बार हुआ है, दो बार हुआ है तो इसका ऑर्डर क्या हो गया बराबर टू। अब देखते हैं हम इसकी डिग्री, डिग्री यहाँ पे इसकी थ्री है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है थ्री डिग्री का हो गया। डिग्री हम उसकी देखते हैं जिसका ऑर्डर हाईएस्ट हो, हाईएस्ट ऑर्डर वाली वो टर्म हो, हाईएस्ट ऑर्डर वाली टर्म ये है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर तो इसका डिग्री क्या है इसकी वन। तो ये जो इक्वेशन थी अपने पास ऑर्डर टू एम डिग्री वन की इक्वेशन है। अब कई बार अब दूसरा देखते हैं एक और आ जाता है जैसे ये दिया डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव डी बाई अपॉन डी एक्स प्लस समाकलन ऑफ वाई ऑफ डी एक्स बराबर एक्स क्यूब, ये दिया हुआ है। अब हम इसका ऑर्डर निकालने के लिए हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। हम इसका ऑर्डर क्योंकि समाकलन का साइन है तो हम इसका ऑर्डर सीधा नहीं दे सकते। अगर जैसे कोई बटे में संख्या हो जैसे अगर इसे हम डी वाई अपॉन डी एक्स होता तो हम इसे सीधा नहीं देते उसको गुणा कर लेते हैं। अब इसमें हम ये करते हैं
सबसे पहले इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये हो जाता है डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस 5d² y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसका जो हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये समाकलन हट जाएगा क्योंकि इस पर वो नहीं दे रखी, इस लिमिट नहीं दे रखी, इसलिए हम सीधे हटा सकते हैं इसको और ये आ जाता है वाई इक्वल टू 3x². अब हम देखते हैं इसका ऑर्डर, ऑर्डर कितने ऑर्डर का है। अब यहाँ से ये देखते हैं 3 ऑर्डर है। अब डिग्री देखते हैं, डिग्री हम इसी की डिग्री देखते हैं वो है 2, तो 2 ऑर्डर है 3 डिग्री का अपने पास समीकरण हो गया।